अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते। नाजरीन, आज हम चलते चलते यहां पे पहुंचे हैं बैरियर टाउन कराची एक्यू सुपर मार्केट के बिल्कुल बाहर। तो ये जो आप सारी मार्केट देख रहे हैं, ये एक्यू सुपर मार्केट है। यहां पे आप देखते हैं सुपर मार्केट का पोजेशन क्योंकि मिल चुका हुआ है। यहाँ पे शॉप्स ओपन होना शुरू हो चुकी हुई हैं। ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये लोगों ने यहाँ पे अपनी शॉप्स ओपन कर ली हुई हैं या कोई चीज परचेज करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये सारा आप देखते हैं कि इस टाइम काफी यहाँ पे रश होता है। दिन का टाइम है, धूप का टाइम है, तो इस वजह से यहाँ पे आप देखते हैं तो अभी लोग काफी विजिट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं इसकी सराउंडिंग आपको बताऊं तो आप मेरे बिल्कुल पीछे प्रीसेंट 19 बैरी अपार्टमेंट्स देख रहे हैं। रोड के उस पार बिल्कुल साथ ही ये बैरी अपार्टमेंट्स है। ये सारा कमर्शियल जो है ये बैरी अपार्टमेंट्स का प्रीसेंट 19 का है। ये PSO फ्यूल पंप आपको नजर आ रहा है, ये इसके बिल्कुल सामने AQ सुपर मार्केट है। ठीक है, फार्म हाउस आप देखते हैं तो यहाँ से फार्म हाउस भी बिल्कुल करीब है। डेंजो जो है वो भी यहाँ से करीब है। और अगर इस साइड पे आप देख रहे हैं तो वो पीछे आपको ग्रैंड जामिया मॉस्क का व्यू यहाँ से मिल रहा है, अली विला नजर आ रहा है वहां से। और यहाँ से पार्किंग गाड़ियों की साथ ही बिल्कुल इम्तियाज मेगा मॉल भी है जो कि ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। तो नाजरीन, बैरियर टाउन कराची में इस टाइम जिस तरह इतनी ज्यादा लोगों का यहाँ पे फैमिलीज का यहाँ पे मूव होने का रुझान बना हुआ है, बहुत ज्यादा फैमिलीज यहाँ पे मूव इन हो रही हैं, तो वहाँ पे इस तरह की मार्केट की बहुत ज्यादा नीड थी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इम्तियाज मेगा मॉल ही ऑपरेशनल था। तो अब ये AQ सुपर मार्केट भी क्योंकि ऑपरेशनल हो चुकी हुई है, तो लोगों ने जिन्होंने अपनी शॉप्स परचेज की हुई हैं वो अपनी यहाँ पे मुख्तलिफ बिजनेस के लिए शॉप्स ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे कपड़ों के, जूतों के और ये मोबाइल्स वगैरह एक्सेसरीज के ये ब्रांड यहाँ पे आ चुके हुए हैं। लोगों ने शॉप्स यहाँ पे ओपन कर ली हुई हैं, जबकि बाकी लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। आपको अगर शॉप यहाँ परचेज करनी हो या रेंट पे लेनी हो तो आप मेरे नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं ये लोअर ग्राउंड है इसका। यहाँ से नीचे ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाते हैं, ये लोअर ग्राउंड का पूरा ये फ्लोर है और इसके ऊपर यहाँ पे आते हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर है। ये बहुत बड़ी मार्केट है कि बैरियर टाउन में रहने वाली फैमिलीज के लिए, उनकी जरूरियात के लिए, ये उनकी नीड को पूरा करने के लिए ये मतलब के ये नहीं हो सकता कि जितनी यहाँ पे फैमिलीज हैं एक मार्केट से उनका सबका निज़ाम चल जाएगा, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा 50% से ज़्यादा ये नीड पूरी कर सकती हैं। तो अभी ये देखते हैं आप, वो सामने वाली वेस्ट ओपन साइड है। तो नीचे क्योंकि हम बना रहे थे वीडियो तो गर्मी थी काफ़ी, यहाँ पे आए हैं हवा चलना शुरू हो गई है और बहुत ठंडी हवा यहाँ पे क्योंकि चलती रहती है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी शॉप्स आप देख रहे हैं दोनों साइड्स पे और ये एक मार्केट है। तो फिर भी आप देखते हैं इसमें शॉप्स के साइज अच्छे साइज की शॉप्स हैं। और अगर आप देखते हैं पैसेज एरिया तो पैसेज भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसेज दिया गया एरिया। ठीक है, तो आगे आ जाए, ये दूसरी साइड की एंट्रेंस है इम्तियाज साइड की। ये डोमिनियन के प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने जा रहे हैं। ये सामने सारा हेरिटेज कमर्शियल है, उस साइड पे आप ग्रे स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो AQ की ही AQ बाजार की बिल्डिंग है और इसके साथ इम्तियाज मेगा मॉल है। तो ये इस साइड की यहाँ से एंट्रेंस है और ये आप देख सकते हैं। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जिस तरह ये मार्केट्स बनती हैं शहरों में, इस तरह की बड़ी मार्केट्स छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, उसमें पैसेज एरिया बहुत छोटा होता है, लोगों का रश बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें टेंशन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इतना बड़ा पैसेज एरिया आप देखते हैं, यहाँ पे जितना भी रश हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और शॉप्स के साइज भी बहुत अच्छे हैं कि आप अपना कोई भी बिजनेस यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं तो इजीली आपको सामान रखने के लिए, काउंटर लगाने के लिए और बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पे मिलती है। इधर आते हैं, ये वाली साइड में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मेन कॉरिडोर
इसको कह सकते हैं आप, क्योंकि ये वाला आप देख रहे हैं जो लॉबी, इसमें एलिवेटर्स लगे हुए हैं और लिफ्ट लगी हुई है। आप लोअर ग्राउंड से ऊपर दूसरे तीसरे फ्लोर तक लिफ्टों के जरिए या एलिवेटर्स के जरिए यहाँ पे जा सकते हैं। इसके उस साइड पे भी ऐसे ही पैसेज एरियाज हैं और इसी तरह हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये आप देखते हैं ये एक दूसरी गली है वहां से, तो ये भी देखें इस साइड से पेट्रोल पंप वाली साइड है और इस साइड से अगर आप कहते हैं तो ये जिला एवेन्यू की साइड की तरफ ये वाला इसका फेस है वेस्ट ओपन का। तो नाजरीन ये वाली जो कॉर्नर की शॉप है ये हमारे पास है रेंट के लिए, ये अवेलेबल है। अगर आप रेंट पे अपना शॉप लेके कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कि ये कॉर्नर की टू साइड ओपन और बहुत हवादार पैसेज एरिया के साथ, बहुत बड़े पैसेज एरिया के साथ ये शॉप आपको रेंट पे मिल सकती है, आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और सीधा चले जाते हैं इसी मेन कॉरिडोर में, तो वो एंड पे आप देखते हैं वहां पे फिर जो बनी हुई है स्पेस, वहां पे लिफ्ट है, एलिवेटर्स है और उधर से दोबारा फिर एंट्रेंस है मेन। तो इसी तरह ही ये वाला पैसेज भी आप देखते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि आप ग्राउंड फ्लोर में कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं, मैं आज सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूं एक ही सुपरमार्केट की, तो बहुत अच्छी और बड़ी शॉप्स हैं, जबकि पैसेज एरिया बहुत बड़े हैं और हवादार बहुत है। हम अंदर बिल्कुल मार्केट के अंदर ही घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गर्मी का और इस तरह का एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवादार यहाँ पे ये सारी मार्केट बनी हुई है, जबकि हम बाहर खड़े थे तो हमें पसीना आया हुआ था काफी। तो नाजरीन मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप रابطہ कर सकते हैं अगर आपने कोई शॉप परचेज करके अपना बिजनेस शुरू करना है, या अपना बिजनेस शुरू करने के लिए आपने शॉप रेंट आउट करनी है, तो रेंट आउट करनी है या रेंट पे लेनी है, तो हर दो सूरतों पर आप मेरा नंबर ये सेव कर लीजिए और मुझसे रابطہ कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।